सिंगरौली नगर निगम के 45 वार्डों का आरक्षण एक वर्ष में तीसरी बार हुआ, जिसके बाद कुछ नेताओं के चेहरे लटक गए तो कुछ नेता बेहद खुश नजर आए। कलेक्ट्रेट सभागार में कलेक्टर राजीव रंजन मीणा, एसडीएम विकास सिंह, कमिश्नर नगर निगम आरपी सिंह, विभिन्न दलों के नेताओं की उपस्थिति में नगर निगम के सभी 45 वार्डों का लॉटरी के माध्यम से आरक्षण हुआ। इसके बाद कुछ लोग खुश नजर आए, कुछ लोगों ने इस वार्ड आरक्षण पर नाखुशी जाहिर की। नगर निगम में राजनीति कर रहे कई नेताओं के भाग्य फिर से खुल गए। अब देखना यह है कि खुश हुए ये नेता फिर से नगर निगम चुनाव जीत के वार्ड पार्षद बनते हैं या फिर कुछ दिन के लिए इनकी खुशी रहती है। कांग्रेस पार्टी के युवा नेता प्रवीण सिंह चौहान ने नाखुशी जाहिर करते हुए कहा कि एक वर्ष में तीसरी बार नगर निगम के वार्डों का आरक्षण हुआ। पहले कांग्रेस की सरकार ने 50 वार्ड बनाए थे, जिससे ज्यादा प्रतिनिधि चुने जाते। सरकार का विकास अच्छी तरह से होता, लेकिन भाजपा सरकार फिर बन जाने के बाद वार्ड की संख्या को 45 कर दिया गया, जो सही नहीं है। पूर्व पार्षद रजनीश पांडे ने कहा कि हमारा वार्ड सामान्य पुरुष हो गया है, हमें बहुत खुशी है, चुनाव में हम उतरेंगे। निवर्तमान नगर निगम अध्यक्ष चंदे विश्वकर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेता बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। कुछ दिन के लिए कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी, उसने मनमानी तरीके से वार्डों का आरक्षण किया, जो त्रुटिपूर्ण था। अच्छी बात है, अभी तो एक तीसरी बार का आरक्षण है इस चुनाव के लिए। पहले 45 वार्डों का हुआ था, फिर सरकार बदली पर सीमन हुआ, 50 वार्डों का हुआ, और आज पुनः सरकार ने जब परिसीमन निरस्त किया, ये हुआ 45 वार्ड पर चुनाव होगा। आज पुनः माननीय कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में आरक्षण की कार्रवाई की गई, जिसमें हम सब लोग उपस्थित थे, और मेरा 43 नंबर वार्ड अनारक्षित श्रेणी में गया है, क्योंकि पिछली बार वह अनारक्षित महिला के लिए आरक्षित था, इसलिए दूसरी बार में वह कैटेगरी से बाहर आ जाता है और अपने आप अनारक्षित के लिए आरक्षित किया जाता है। ये आरक्षण जनहित को ध्यान में रख करके नहीं किया गया है, बल्कि भाजपा हित को ध्यान में रख करके किया गया है। आरक्षण ये 2011 के आधार पर किया गया है, जबकि 2011 में मैं एक वार्ड क्रमांक 20 की बात करूँगा, वार्ड क्रमांक 20 SC था। अभी 3 महीने पहले जब हमारी सरकार थी, उस समय जब आरक्षण हुआ, उस समय भी वार्ड क्रमांक 20 SC था। फिर आज वार्ड क्रमांक 20 को कहाँ से किस आधार पर सामान किया गया, कहीं ना कहीं इसमें नगर निगम की और हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं उनसे मिली भगत करके इसमें सुधार किया गया है। एक दूसरी चीज़ कि जो 3 महीने पहले आरक्षण जो हुए थे हमारी सरकार में, वो जनता के हित को ध्यान में रख करके 50 वार्ड करके आरक्षण किए गए थे। पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो कांग्रेस सरकार की कुछ महीनों के लिए आई थी, वो मनमानी ढंग से हम लोग उसमें आपत्ति भी लगाए थे, मनमानी ढंग से वार्डों का करने पर सीमन की है, और परसीमन करने के साथ साथ और जो वार्डों का सीमा असली सीमा था उनको छोड़ के एक एक वार्ड आप इसका 40 नंबर वार्ड को ऐसे करके काट के किए थे, मतलब ऐसे कई वार्ड हो जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी के पार्षद थे वहाँ, मतलब ये पार्टी के इनको लगा कि भाजपा मजबूत है, इसकी वजह से अपने मनसा के अनुरूप बनाए थे, और जनता भी उसमें विचलित थी, इसलिए हम लोगों ने उसको आपत्ति लगाया था। इसलिए हमारे मुख्यमंत्री जी जैसे ही हमारी सरकार बनी, संज्ञान में लेते हुए इसको निरस्त करते हुए पुनः 4500 वार्ड में आरक्षण करवाए हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।